चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं यार। बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। सुने ना, बोलो। मुझे आपसे वो करनी है। वो क्या? वो जो मुंह से करते हैं ना। अरे ये क्या छिछोरी बातें कर रही हो मोमो? हाँ हाँ बातें नहीं, बात मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या करो? कितना टाइम हो गया, आपने मुझे वो बना के नहीं दिए। वो क्या? वही जो पहनते हैं। बुंदे? नहीं दुम्बे नहीं, वो जो ऐसे होते हैं कपड़े जैसे। क्या होते हैं भाई? हाँ कपड़े। कितने दिनों से आपने मुझे कपड़े नहीं बनवा के दिए। अरे अभी पिछली ईद पर तो तुम्हें कपड़े बनवा के दिए मैंने। वो तो छोटे हो गए। कपड़े छोटे कैसे हो सकते हैं मोमो? ये कहो कि तुम और मोटी हो गई हो। मोमो अपने खाने पीने पे कंट्रोल करो, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें कपड़े बना के देता रहूं और तुम मोटी होती जाओ। आप मुझे कपड़े बना के देंगे कि नहीं? हरगिज नहीं। अपना वजन कम करो और पुराने कपड़े पहनो और मुझे सोने दो। आप डिस्टर्ब मत करो, समझ आई है? तो गई है, सो जाओ चुप करके। मैं भी लेट के नहीं सोऊंगी, मैं भी बैठ के सोऊंगी। जी हाय। हाय हाँ, कौन जी? मैं मैना। मैना? Excuse me. बोलिए। मुमताज यही रहती हैं? आप उसे कैसे जानती? क्या वो आपके घर में काम करती थी? नहीं नहीं, वो मेरे कॉलेज की दोस्त है। अरे वो तो कभी स्कूल नहीं गई, कॉलेज की दोस्त कैसे हो सकती है? मेरा मतलब है कि कॉलेज में मैं पढ़ती थी और वो हमारे कॉलेज की कैंटीन में काम करती थी। छोड़े भी, अब दो सीन के कैरेक्टर के लिए क्या लॉजिक दूं मैं आपको? बस वो मेरी दोस्त है, मगर आप उसके कौन है? मैं उसका दूर का रिश्तेदार हूँ। अच्छा? आप आइए ना, आइए आइए आइए। यहाँ मेरे पास बैठी, आइए बैठी बैठी बैठी। थैंक यू। अरे और सुनाए, क्या हाल चाल है? आप जरा मुमताज को बुला देंगे भाई साहब? भाई साहब मामा। हाँ जी बोली। इधर आओ, तुमसे मिलने को ये आया है। हाँ ये आया है। नहीं मैं आई हूँ। अरे मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं तुम्हारी दोस्त हूँ मैना। मैना तुम्हारी भूलने की बीमारी ना। अरे मैं डोडो के साथ पढ़ती थी कॉलेज में और तेरी कैंटीन से उधार समोसे लेके खाती थी मैं। हाँ तो तू समोसे के पैसे देने आई है क्या? नहीं मैं तुझसे मिलने आई हूँ मुमताज। चलें जी, मेरी पक्की वाली दोस्त के लिए चाय तो बना के लाएं। शाबाश। ये तुम्हारा नौकर है ना? मेरे मियाँ है। आप तो कह रहे थे कि आप मुमताज के रिश्तेदार हैं। अरे तो मियाँ रिश्तेदार नहीं होता क्या? जी जी मोमो और सुनो, घर तो बड़ा खूबसूरत है। नहीं ये हमारा नहीं है, किराए का है और किराया भी कोई और ही देता है। क्या? हाँ खैर तू सुना कैसी है? खुदा का लाख लाख शुक्र है। अरे अभी 6 महीने पहले ही बेवा हुई हूँ, लेकिन अब खूब मजे कर रही हूँ। अरे हाँ यार मुमताज, क्या बताऊँ तुझे मैं। अरे जब तक वो मेरा मियाँ कंजूस मक्खी चूस जिंदा था ना, नए कपड़ों को भी तरसती थी मैं। अब देख मुझे, महंगे कपड़े, महंगी ज्वेलरी, ब्रांडेड पर्स, हर चीज है मेरे पास।
अरे खूब मजे कर रही हूँ, हर रोज तो शॉपिंग करती हूँ मैं। तेरे मियाँ को दफनाते हुए कब्र से खजाना निकल आया था है? अरे खजाना ही समझ ले मेरी जान। अरे मेरे मियाँ ने ना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी, और वो भी मुझे बताए बगैर, पूरे 5 करोड़ की। उसके मरने के बाद फौरन मुझे मिल गए। वैसे पॉलिसी तो तेरे मियाँ ने भी ले रखी होगी ना? ला, मेरे मियाँ ने तो आज तक पजामे का नाड़ा नहीं लेके रखा, तो पॉलिसी क्या लेगा? ये शौहर होते हैं ना, बताते नहीं है, बहुत चालाक होते हैं ये लोग। अरे जरूर लेकर कहीं छुपा रखी होगी भाई साहब ने। भाई अब मुझे निकलना है, मैं जा रही हूँ, मेरा ड्राइवर मुझे कॉल कर रहा है, मुझे शॉपिंग पे जाना है। ड्राइवर के साथ? अरे ड्राइवर के साथ नहीं बेवकूफ, अकेले जाना है, वो तो सिर्फ गाड़ी चलाता है, शॉपिंग तो मुझे करनी है। खुदा हाफिज़। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। पॉलिसी हेलो हेलो। हाँ मुमताज, मैं ना जल्दी जल्दी में तुम्हारे घर ही पर्स भूल आई हूँ अपना, संभाल के रख लेना, आऊंगी ना एक दो दिन में फिर ले जाऊंगी। ठीक है, ओके बाय। कोयल कोयल, एक मिनट। ओहो, मेरा नाम मैना है, मैना मुमताज। गोली मार अपने नाम को। हैं? ओए मेरी बात सुन, मुझे अपनी अलमारी में से ना कपड़ों के नीचे से वो मिली है। वो क्या? वही जो तेरे मियाँ के मरने के बाद तुझे मिली थी। मेरे मियाँ की लाश? आ? मेरे मियाँ की लाश तेरी अलमारी में कैसे आ गई? ओए लाश नहीं, वो जो तेरे मियाँ के मरने के बाद तुझे मिली थी, जिस पर तू याशियां कर रही है। इंश्योरेंस पॉलिसी? हाँ वही। देखा मुमताज, मैंने कहा था ना। अरे ये तो देख कितने की है। पता नहीं। अरे गौर से देख, उसके ऊपर रकम लिखी हुई होगी। अच्छा हाँ, ये रही। कितनी है जल्दी बता। वो 3 के बाद ना 0 0 0, तो 0 फिर 0 फिर 1 0, तो फिर 0। 3 के बाद ना 7 0 है। 3 करोड़ की पॉलिसी? अच्छा बशे, मुझे 3 करोड़ मिलेंगे? अरे अभी नहीं मिलेंगे, तेरे मियाँ के मरने के बाद तुझे पैसे मिलेंगे, और क्या पता तू उससे पहले ही मर जाए। करोड़? मैं मकसूद को कैसे मारूं? मारना पड़ेगा, झाड़ू से मारूं? नहीं, सोचती हूं। एक बात बता नीला। मेरा नाम खूबसूरत है माँ जी। ओए नाम नहीं, एक बात बता। कौन सी बात? अगर कोई बीवी अपने मियाँ को वो कर दे तो उसको क्या करते हैं फिर? वो क्या? वो जो छुरी फेर के करते हैं। बर्थडे? महमूद साहब की बर्थडे आने वाली है क्या? चुप है। और वो जो छुरी फेर के बंदे को मार देते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे दरिंदा कहते हैं माँ जी। हाँ, अगर कोई बीवी अपने मियाँ को दरिंदा कर दे तो उसको क्या सजा मिलती है फिर? माँ जी मैं यहाँ थोड़ी देर सुकून से बैठने आई थी, आपने मेरे सर में धड़ कर दिया है। वो इसको देखो जरा। माँ जी। हाँ जी। आप यहाँ बैठी क्या कर रही हैं? मैं प्लानिंग कर रही हूँ। वो किस चीज की प्लानिंग कर रही है? ओए बेवा होने की और किसकी? क्या? हाँ। ओ माँ जी, खुदा का नाम माने यार, बीवी अपने शोहरों की लंबी उम्र की दुआएं मांगती है, और आप बेवा होने की प्लानिंग कर रही हैं? हाँ तो तू क्या चाहता है? तू ही अपनी बीवी के पैसों पे याशी करे, मैं अपने मियाँ के पैसों पे ऐश ना करूं? ओ यार माँ जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे महमूद साहब ने मरने से पहले आपको जायदाद दे डालनी है। हाँ जी, ये देख। ओ ये क्या है माँ जी? ओए देख तो सही ना, देख। अरे देख लेते हैं माँ जी। देख, 3 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस? हाँ बच्चू। अरे सोच क्या रही हैं माँ जी, अभी जाएं जाकर जहर दे के मार डालें महमूद साहब को। और अगर मैंने उन्हें मार दिया तो फिर मेरा क्या होगा? ओ कुछ नहीं माँ जी, आपको सिर्फ और सिर्फ फांसी होगी। हाँ? लेकिन माँ जी आप फिक्र मत करें, आपका बेटा जिंदा है, आपका बेटा आपकी कब्र पे सोने का कतबा लगवाएगा। मेरे मियाँ को मारने के बजाय तू मुझे मारने का प्लान बना रहे कमीने। सॉरी माँ जी, हमें कुछ ऐसा करना होगा
कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ओए सांप को नहीं मारना, नेवले को मार रहे हैं। वो जो हमें मारना है वो नेवला है। हाँ जी। अच्छा जी, आए फिर छुप कर प्लानिंग करते। माझी। हाँ पुत्र बोल। एक काम करते हैं, महमूद साहब के सर पे डंडा मार देते हैं। लेकिन अगर उससे उनकी वो चली गई तो वो क्या? वो जो मेरी कमजोर है, आंखें नहीं वो, फिर ओ याद नहीं आ रहा। हाँ, याददाश्त। अगर उससे उनकी याददाश्त चली गई तो माँ जी फिर एक काम करते हैं, रात को सोते वक्त उनके बड़े सारे मुंह पर छोटा सा तकिया रख के उन्हें मार देते। पर पुत्र मैं सोते हुए उनके मुंह पे तकिया कैसे रखूंगी? ओह माँ जी, उनके सोते हुए मुंह पे रखना है तकिया, आपके सोते हुए नहीं। अच्छा, अरे ये तुम दोनों यहाँ छुप के क्या कर रहे हो? हम मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। अरे किसे मारने की? आपको। माँ जी आपको क्या, हम किसी को भी मारने की प्लानिंग करें? कुछ नहीं वो ना किचन में छुपकली आ गई है। अम्मा जी और मैं उसे मारने की प्लानिंग कर रहे थे, है ना माँ जी? इतनी खामोशी से? अरे महमूद साहब आपको नहीं पता, छुपकली जो है ना आवाज सुन के भाग जाती है। अरे दफा करो छुपकली को यार, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे लिए कमरे में चुशांदा बना के लाओ। माँ जी, माँ जी यही मौका है चुशांदा बनाने का। नहीं माँ जी, चुशांदे में जहर मिलाने का। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। ये लें जी, मैं आपके लिए ना जोश में आने वाला अंडा लेकर आई हूँ। अरे बोमो, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। हाँ जी वो तो है ना। अरे बहुत शुक्रिया, सॉरी यार मैंने तुम्हें तकलीफ दी। कोई नहीं जी, आखिरी बार तो दी है। क्या मतलब? कुछ नहीं जल्दी पिए, आपके जाने के बाद बड़े काम करने हैं मुझे। मेरे जाने के बाद? हाँ, आपके सो जाने के बाद। अच्छा, ये तो बहुत ही कड़वा जहर है। हाँ तो जहर क्या मीठा होता है। चलिए शाबाश, नाक बंद करके पिए, जल्दी करें। कुछ हुआ? मेरे सर में दर्द हो रहा है बोबो। थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, डब्बे पे लिखा था। डब्बे पर? हाँ जी। मोमो मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा। ना तो ना ले, इसमें कौन सी मौत पड़ रही है आपको? मोमो लाई 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 मुला लाई। नबीर, ओ यार आप मरे नहीं, बड़े डीट है आप। अरे ये तुम लोगों ने मुझे क्या पिला दिया है? ना हम क्यों बताएं कि हमने आपको जहर दे दिया। क्या? जवानी में चले गए महमूद साहब, ये भी कोई उम्र होती है मरने की? ये तो उम्र होती है किसी पे मरने की। हौसला करो नबील, माजी को भी तो तुमने संभालना है। माजी से याद आया, मरुम की बेवा कहाँ है? कहाँ क्या मतलब, इद्दत में बैठी है भाई। हमारे घर की औरतें इद्दत में दूसरी औरतों के सामने बिल्कुल नहीं आती, हम लोग मॉडर्न नहीं है, क्यों जानू। दिमाग
बच्ची को संभालो, ये पागल हो गई हैं, हमारा क्या होगा अब? मैं अभी आया जी, मेरी माँ के तो बाद में ऐसा हो गया। ओ माँ जी क्या कर रही हैं, पॉन्ड कर रही हैं, चले अंदर, अंदर चले, अंदर चले, अंदर चले, तो लोगों को यकीन हो जाएगा कि आपने अपने शौहर को खुद मारा है। हा? हाँ माँ जी, इंश्योरेंस की रकम मिल जाए फिर जितना दिल चाहे याशियां कीजिएगा। हाँ माँ जी, इंश्योरेंस से याद आया, उनको फोन करके महमूद साहब की मौत की खबर तो दे दे ताकि वो प्रोसेस शुरू करे। तो फोन कर ना पुत्र। अच्छा तो वो पेपर लगाए? हाँ वो ये रहा। जी सलाम अलैकुम जी, मैं महमूद साहब का बेटा नबील बोल रहा हूँ। बुलबुले वाला। उशा बचे। ओ यार महमूद साहब का इंतकाल हो गया है। हैं? वो रोल हमने किससे कराना है यार, वो बाद में सोच लेंगे। वो इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रोसेस कराना था हमने। क्या क्या जी, वो कह रहे हैं कि महमूद साहब ने कभी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम दिया ही नहीं है, इसलिए पॉलिसी बहुत पहले कैंसल हो गई थी। नहीं। जी, क्यों चले गए हमारी मेहनत को जाया करके। हाँ जी सबर करें। अब सबर करने का क्या फायदा, अब तो कुछ भी नहीं मिलना। आए हाय, मैं वो हो गई। वो क्या माँ जी? वो जो मियाँ के मरने के बाद होते हैं। खुश चुपा चुपचाप बिरयानी खा। ओए पुत्र मेरे लिए रखी है ना बिरयानी? नहीं माँ जी, दो प्लेटें ही मंगवाई थी, अगर आपको भूख लगे ना तो अपने पैसों से मंगवा लीजिएगा। ओए मेरे मियाँ के जाने के बाद कोई मुझे बिरयानी नहीं पूछ रहा है, मकसूद देख रहे ना आप? महमूद। ओ माँ जी, महमूद साहब आपको कैसे देख सकते हैं, वो मर चुके हैं यार। तो मरने के बाद क्या आदमी अन्ना हो जाता है बोल? ओ माँ जी प्लीज चुप कर जाए यार। अरे बस कर दे, सारी बोटियां तूने खा जानी है। अरे बहन, अभी ताजा ताजा बेवा हुई हो और बोटियों पर नजर है। हाँ बेवा हूँ। मैं बेवा हो गई। हाय मेरी माँ बेवा हो गई। सब मिलके पढ़ो, बेवा हो गई। हाँ मेरी माँ बेवा हो गई। माँ जी आपकी अब सारी उम्र सोग मनाती रहेंगी। तो और क्या करूँ मेरा? काम क्या करूँ मतलब? इतने सारे काम पड़े हैं माँ जी, फिर बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, घर की सफाई करनी है, खाना बनाना है। तो ये सब काम मैं करूँगी। तो और क्या माँ जी, क्या मैं आपके लिए नौकरानी रखूँगी? देखिए माँ जी, घर में फजूल की नहुसत फैलाने की जरूरत नहीं है, आप बेवा हैं तो बेवा बन के रहे। और मेरे मियाँ के मरते ही तूने अपनी आंखें सर पे रख ली हैं। फजूल बातें मत करें माँ जी, चलो उठे काम करें। मैं इद्दत में हूँ जालम। बस कर दे माँ जी, खाना खाते वक्त तो इद्दत में नहीं होती आप, जब काम की बात आती है तो इद्दत याद आ जाती है। ओ क्या हो गया जानू, क्यों चिल्ला रही हो? पुत्र देख तेरी बहन मुझे क्या कह रही है। ओ बीवी माँ जी। हाँ तेरी बीवी क्या कह रही है मुझे? ओ क्या कह रही हो जानू? मैंने घर के काम करने का बोल रही हूँ नबील। हाँ तो सही कह रही है ना जानू मेरी, आपका दिल भी लग जाएगा और जानू को भी रेस्ट मिल जाएगा। हाँ माँ जी, और सारे कामों से फारग होकर ना मेरे कपड़े इस्त्री कर दीजिएगा, मैंने पहनकर सोना है। मेरे मकसूद कयामत होगी, आज रुजवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी परे, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। देखो
याद मकसूद देखा ना आपकी वजह से हो रही मुझे माफ कर दीजिए मकसूद मैं लालच में आ गया आपको मार दिया था ना इसीलिए मेरे साथ ये हो रहा है मुझे माफ कर दे मकसूद मुझे माफ कर दे ये क्या किया आपने माँ जी क्या आपने नबील की नई टी-शर्ट चला दी है हैं क्या मेरी 500 रुपए की टी-शर्ट जला दी बुढ़िया बुढ़िया नबील ये औरत जितने दिन इस घर में रहेगी ना हमारा नुकसान करती रहेगी तुम ठीक कह रही हो जानू इन्हें फौरन घर से निकालो नहीं चले चले नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी चले बुढ़िया चले आओ चले नहीं मैं नहीं जाऊंगी छोड़ मुझे चले बुढ़िया जुशांदा पीऊंगा तो ठीक हो जाएगा मामो साहब मैं जो आपके लिए जुशांदा बना के लाया हूँ आप एकदम फिट हो जाएंगे ये ले पिए मुझे अभी गली में एक गुंडे ने छेड़ा है क्या हाँ इस मोहल्ले में किसकी जरूरत है जो मेरी बीवी को छेड़े आग लगा दूंगा सारे मोहल्ले को अरे कभी प्यार से मुस्कुरा कर देख भी लिया करो मैं तो कितनी बार प्यार से मुस्कुरा कर देखती हूँ किसको बहुत सारे लोगों को यार जानू तुम महमूद साहब के सामने मुझे लव लेटर दे रही हो बहुत बोल्ड होती जा रही है तुम ये मैं तुम्हें नहीं दे रही ये उस बदमाश मवाली ने मुझे लिखा है हेलो मेरे सलमान खान सलमान नहीं शाहरुख हाँ मेरे शाहरुख खान शाहरुख खान आजकल कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही है आपकी चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं यार बबल बनाए जलता जा कोई जाए जाए जलता जा और बबल फुलाए चलता जा कोई आए जाए